सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। एज एन शो पीस आप इसको यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो इस प्रोडक्ट को आप अपने कार के डैशबोर्ड पे भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसे प्लास्टिक से निकाल दिया और ये रहा हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पपी, आपको देखने को मिल रहा होगा, जो किसी डॉग के ब्रीड का ये एक रेप्लिका है। आपको यहाँ पे प्रॉपरली वो दिख रहा होगा, काफ़ी सॉफ्ट है ये, आप फुल इसको देख सकते हो। और जो भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, फैब्रिक्स यूज़ हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है। और पॉलीरेजिन या प्लास्टिक के मोल्डिंग, इसका जो भी आप ब्रीड देख रहे हो डॉग का, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के आते हैं। और आप देख सकते हो जो फैब्रिक है इसके ऊपर पेस्टेड है, जो भी इनका मटेरियल यूज़ हुआ है मोल्डिंग के लिए, ये डिफरेंट ब्रीड्स में आपको अवेलेबल है, ये जो भी पपीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ, इसके आप ईयर्स को देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी क्लॉथिंग का फैब्रिक यूज़ नहीं है, जस्ट ये जो फर आप देख रहे हो उसी से इसका जो रेप्लिका है ईयर का वो बनाया गया है। आप पीछे की साइड से व्यू देख सकते हो, अपर व्यू भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा सा ये रियलिस्टिक लुक दिया गया है इस पपी में। और अगर हम पीछे की बात करें इसके टेल की, तो आप देख सकते हो जो टेल है वो इसके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें आप नोटिस भी कर सकते हो, काफ़ी पॉइंटेड सा जो भी फैब्रिकेशन के लिए यूज़ हुआ है प्लास्टिक, काफ़ी नुकीला है यहाँ पर। सो इसे आप बच्चे को खेलने के लिए ना ही देना, अगर देते हो तो देख के देना है, जो आपको जो पीस मिला है वो फुल्ली जो उसका फैब्रिकेशन है काफ़ी प्रॉपरली हो, तभी आप बच्चे को दे सकते हो उसको खेलने के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं देना अगर जो भी पॉइंटेड आप देख रहे हो। तो यहाँ पर फर जो यूज़ हुआ है इसका, जो भी फैब्रिक है काफ़ी प्यारा है, सॉफ्ट है, और डॉग भी काफ़ी प्यारा सा दिख रहा है। आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट लुक है, आई भी जो रेप्लिकेट किया गया है, एज एन ये स्लीपिंग पपी बनाया गया है, तो इसलिए जो इसका जो यहाँ पे आप आईज देख रहे होगे, इसमें थ्रेड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, जो यहाँ पे रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है काफ़ी वो प्रॉपर है। नोज़ भी यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बेस की बात करें, तो जो आपको ये पाउच सा दिख रहा होगा, इसका भी फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो फर है, और इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं, एजेस आपको दिख रहे होंगे, वो भी काफ़ी थिक है। तो ये एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए है, ताकि जहाँ पर भी आप इसको रखो वो अच्छे से रहे। और इसके अंदर कुछ बीट्स भरे हुए हैं, या कुछ साइड्स पे मेंशन है इसमें एक्टिवेटेड कार्बन है नैनो क्रिस्टलाइन के। तो जो भी है ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के, ये जो भी डॉग्स के ब्रीड्स हैं उसमें ये अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।